हम पनपते रहे आनंद बरसा करे मस्त होकर खुशियाँ चारों तरफ यूं ही खिलती रहे सर्दी गर्मी भले नृत्य कुछ भी करे। बोधि प्रदाता, दृष्टि प्रदाता, अनंत उपकारी, पूज्य विराट गुरुदेव को भाव वंदन। जय हो। हम सब जीवन में सफल होकर मस्त होकर जीना चाहते हैं। चाहते तो हम सभी हैं कि हम मस्त होकर जिए, जीवन में प्रति घटना में प्रति पल हम सफल होते रहें। लेकिन इसमें सफल, एक्चुअली में सफल कुछ बिरले लोग ही होते हैं। अब कारण, खैर कारण तो बहुत सारे हैं और उन कारणों का समाधान भी है, लेकिन उनकी चर्चा करने से पहले हम एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। तो बात एक युवा व्यक्ति की है। वो व्यक्ति बहुत बड़े हॉर्स रैंच का मालिक था। हॉर्स रैंच जहाँ खूब सारे घोड़े होते हैं, उनकी देखभाल होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके हॉर्स रैंच पर एक ग्रुप आया हुआ था स्टूडेंट्स का, और उस ग्रुप के से वो बातचीत कर रहा था। उस बातचीत करते करते अचानक उसका एक मित्र आया, तो उसने उस मित्र की तरफ देखकर कहा कि तुम्हें पता है मैं अपने इस मित्र को अपने घोड़े बिना दाम के क्यों यूज़ करने देता हूँ, और ख़ासकर तब जब वो किसी यूथ रिलेटेड रिस्क टेकिंग प्रोग्राम्स में होते हैं। बच्चे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे। उसने कहा मैं जवाब बाद में दूंगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसने एक कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी में कहानी बिल्कुल। तो उस युवा व्यक्ति ने, जिसकी कहानी मैं सुना रही हूँ, उसने एक कहानी सुनानी शुरू की उन सारे बच्चों से। उसने कहा कि ये बात एक छोटे से बच्चे की है। उसके पिता हॉर्स ट्रेनर थे, यानी घोड़ों को ट्रेन करते थे, और सुबह से रात तक एक अस्तबल से दूसरे अस्तबल, एक रेस ट्रैक से दूसरे रेस ट्रैक, एक रैंच से दूसरे रैंच पर वो जाते रहते थे, और इसी कारण कई बार उस बच्चे की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती थी। अब उस हॉर्स ट्रेनर का जो बच्चा था वो बामुश्किल पढ़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ अपने पिताजी के साथ घोड़ों के पास जाना नहीं भूलता था। उसे घोड़े बड़े प्यारे थे। तो एक बार की बात है कि उनके क्लास टीचर ने उनको एक ऐसे लिखने को दिया। ऐसे था कि तुम जीवन में क्या होना चाहते हो, जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम उसके बारे में, यानी अपने लाइफ के गोल के बारे में, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में एक ऐसे लिखो, एक निबंध लिखो। उस बच्चे ने बहुत सोचा और पूरी रात बैठकर लगभग 7 पेज लंबा चौड़ा उसने एक ऐसे लिखा। उस ऐसे में उसने एक ड्राइंग भी बनाई बकायदा पूरे डायमेंशंस के साथ। सो उसने उस पूरे ऐसे में लिखा एक बहुत बड़े, लगभग 200 एकड़ बड़े हॉर्स रैंच के बारे में, जिसमें उसके सेंटर में बीचों बीच एक बहुत बढ़िया वेल फर्निश्ड लगभग 400 स्क्वायर फीट का एक पूरा घर था, बड़ा सा घर था, 2-3 मंजिला, जिसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। और उसने डिटेल में लिखा कि कैसे उस पूरे रैंच पर कहाँ कहाँ अस्तबल होंगे, कहाँ उनके जो सईद होंगे, उनके जो ट्रेनर्स होंगे, उनके आसपास उनके घर होंगे, किस तरह वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं होंगी, कहाँ पर ट्रैक होगा। ऐसा उसने डिटेल 7-8 पेज का पूरा वो लिख कर दिया कि वो बड़ा होकर उस हॉर्स रैंच का, उस 200 एकड़ के हॉर्स रैंच का मालिक बनना चाहता है। और बड़ी खुशी खुशी जाकर उसने दूसरे ही दिन वो जो ऐसे था अपने टीचर को थमा दिया। टीचर ने पूरी क्लास के पेपर्स दिए
चेक करने के बाद और उस बच्चे को भी दिया और उसके ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ था F और गोला किया हुआ था। वो पेपर उस बच्चे को पकड़ाते हुए कहा कि तुम मुझे आकर मिलना क्लास ख़त्म होने के बाद। जब वो जाकर मिला तो उस बच्चे ने पूछा टीचर से बड़ी मासूमियत से कि आपने मुझे F क्यों दिया, आप मुझे A भी ना देते। बच्चे के मन में प्रश्न था ना, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे A ना मिलता, B ना मिलता, लेकिन आपने मुझे F दिया। तो उस टीचर ने हंसते हुए उस बच्चे से कहा कि तुम्हारे पिता एक हॉर्स ट्रेनर है, उनके पास ढंग से रहने की जगह तक नहीं है और तुम सपना देख रहे हो 200 एकड़ के हॉर्स रैंच का, बड़ा ही अनरियलिस्टिक, यानी बहुत ही असंभव सा ये तुम्हारा स्वप्न है, या मैं कहूँ अस्वप्न सा लक्ष्य है, इसे तुम कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। तुम लक्ष्य ऐसा रखो जिसे तुम प्राप्त कर सकते हो, चांद को छूने की उम्मीद मत करो। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, तुम घर जाओ, ध्यान से सोच कर समझ कर एक फिर से नया ऐसे लिख कर लाओ तो हो सकता है मैं तुम्हें अच्छे से ग्रेड्स दे दूँ। वो घर गया, उसने अपने पिता को वो पूरा निबंध दिखाया और कहा कि आप बताओ मैं क्या करूं, मुझे टीचर ने F दिया है। पिता ने बड़े ध्यानपूर्वक उस पूरे ऐसे को पढ़ा और कहा कि ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या चुनाव करते हो, तुम इस सपने को पूरा करने का मादा रखते हो, अपने भीतर वो काबिलियत पैदा करते हो, या अपने टीचर के कहे अनुसार इसे बदल कर एक ऐसा रियलिस्टिक यानी संभव सा प्रतीत होने वाला अपना लक्ष्य चुनते हो जिसे तुम टीचर को देकर अपने मार्क्स ला सकते हो। चुनाव तुम्हारा अपना है, लेकिन ध्यान रखना इसी चुनाव पर तुम्हारा पूरा जीवन निर्भर है। बच्चा चुप रह गया। दूसरे दिन वो टीचर के सामने खड़ा हुआ, टीचर मुस्कुराया, पेपर लाए हो नया लिखकर? उसने वही पेपर उनको कहा, सर ऐसा कीजिए आप अपना F रख लीजिए और मैं अपना ड्रीम रख लेता हूँ, ना आप कुछ बदलिए ना मैं कुछ बदलता हूँ। टीचर कुछ नहीं बोला। उस व्यक्ति ने वो कहानी सुनाते हुए कहा कि आज तुम लोग जहाँ बैठे हो उसी 400 स्क्वायर फुट के बंगलों में बैठे हो जहाँ तुम्हारे आसपास सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, और अपने चारों ओर ज़रा देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि चारों तरफ 200 एकड़ का ये हॉर्स रैंच है, वही हॉर्स रैंच और वही डिज़ाइन जो उस बच्चे ने उस जगह पर लिख कर दी थी। सारे बच्चे हैरानी से देखने लगे, बोले उस दिन मैंने ग्रेड्स का चुनाव नहीं किया लेकिन अपने पिता के अनुसार अपने भीतर की काबिलियत को चुना और आज मैं उसी रैंच का मालिक हूँ जहाँ मेरे घोड़े हैं, जहाँ मेरा इतना बड़ा अस्तबल है और ये इतना बड़ा वेल फर्निश्ड बंगलो है। सोचने वाली बात है कि अक्सर हम अपने जीवन के लक्ष्य किसी और को देखकर निर्धारित करते हैं, किसी और को देखकर हम अपने जीवन का लक्ष्य चुनते हैं और फिर उस व्यक्ति को देखकर एक रूप होने की कोशिश करते हैं और ये जद्दोजहद बच्चा पैदा होता है तब से शुरू हो जाती है। देखो ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है घर के लोग उसकी शक्ल मिलाने लगते हैं, देखो तो इसकी नाक अपने नाना से मिलती है और इसकी आँखें बिल्कुल अपने पापा जैसी है, अरे देखो ये जब छींकता है तो बिल्कुल अपने दादा की तरह छींकता है। उस एक बच्चे में न जाने किस किस से एक रूप होने की कोशिश शुरू हो जाती है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके भीतर सपने जगाए जाते हैं, बताओ तो तुम कैसा बनोगे, सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन बनोगे या APJ अब्दुल कलाम जैसे न्यूक्लियर मिसाइल पर्सन बनोगे। और इसी तरह से उसके आसपास देखो, तुम्हारी वो जो फलां दीदी है ना वो CA है, देखो उसको, वो एक वर्ल्ड बैंकर है। और इसी तरह से उसके भीतर एक धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ये बात डाल दी जाती है कि अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो तुम्हें किसी और के जैसा बनना है।
और जैसे जैसे वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, कंपटीशन में जीत रहा है, वैसे वैसे उसके भीतर एक चीज़ और भर दी जाती है कि देखो तुम फर्स्ट आ रहे हो ना, ध्यान रखना तुम्हें हमेशा जीवन में सफल होना है, फर्स्ट आना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि किसी से एक रूप होने की जो कोशिश है वो उस जीवात्मा, उस व्यक्ति, उस बच्चे, उस नौनिहाल के भीतर की जो उसकी अपनी योग्यता है उसका धीरे धीरे कहीं ना कहीं गला घोटती चली जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि एक रूप होने की बजाय एकात्मता साधो, यानी जैसा मैं हूँ वैसे ही इस दुनिया के सारे जीव हैं, और जैसे मैं सबका आदर करता हूँ वैसे अपनी आत्मा का भी आदर करता हूँ। हम दूसरों का आदर करना तो सीख जाते हैं लेकिन स्वयं अपनी योग्यता का, अपनी आत्मा का आदर करना नहीं सीख पाते। हम बार बार समय समय पर छोटी छोटी असफलताओं पर हम अपनी ही आत्मा की हीलना करते हैं, अपने ही आत्मगुणों की हीलना करते हैं, अपने ही आत्मगुणों को कोसते हैं, और बार बार हम कहते हैं मैं फलां की तरह पढ़ा होता तो शायद आज सफल हो जाता, मैंने फलां की तरह उस क्लास में एडमिशन लिया होता तो शायद सफल हो जाता। हम असफलता के कारणों को कहीं और तलाशते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारी जो कल की कमजोरी है वो ज़रूरी नहीं कि हमारे आने वाले भविष्य की असफलता की कहानी लिखे। अरे वो जो कमज़ोरी है हमारी अपनी कमज़ोरी है, अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हम उसे जान कर समझ कर अपने से दूर करने के प्रयत्न अपने वर्तमान में करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने भविष्य का लेखा जोखा बदल सकते हैं। हमारे अतीत की सफलता, हमारे भविष्य की सफलता की कहानी निश्चित रूप से लिखे ही नहीं कहा जा सकता। उसी तरह हमारे अतीत की असफलताएं हमारा भविष्य को असफल ही करेगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सब कुछ निर्भर करता है आज पर, वर्तमान पर। हम वर्तमान में अपनी सफलताओं को किस दृष्टि से देखते हैं, हम वर्तमान में अपनी असफलताओं, अपनी कमजोरियों, अपनी कमियों को किस नज़रिए से देखते हैं, उन्हें अपने भीतर से दूर करने का पुरुषार्थ किस दृष्टि से करते हैं, इस बात पर निर्भर करता है हमारे भविष्य का आकार। तो अपने भविष्य का आकार यानी अपने फ्यूचर को हम कैसा डिज़ाइन करते हैं ये हमारे पास्ट पर नहीं हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। हो सकता है अतीत में हम बहुत एंग्शियस थे, हो सकता है अतीत में हमारे बहुत सारे लालच थी, बहुत सारी आसक्तियाँ थी, हम दूसरों को इमिटेट करते थे, लेकिन आज हम ये जान पा रहे हैं कि हमारी असफलताओं का कारण है कि हम दूसरों की नकल कर रहे हैं। हम किसी में गुण देखें ये अच्छी बात है, लेकिन उन गुणों की नकल हम स्वयं में करें यहाँ पर हम बड़ी गलती कर जाते हैं। हम दूसरों में गुण देखें, उन गुणों से हम इंस्पिरेशन लें, प्रेरणा ले अपने भीतर के गुणों को उजागर करने की, तब तो हम अपनी सफलता की कहानी लिख पाएंगे। वरना जो गुण दूसरों में हैं वही गुण अगर हम स्वयं पर आरोपित करने लग गए, उन गुणों की अपने भीतर नकल करने लग गए तो निश्चित रूप से हम असफल होंगे ही, और हमारे अतीत की असफलता कभी भी हमारे भविष्य की असफलता की गारंटी नहीं है या हमारे भविष्य के फेलियर्स की गारंटी नहीं है। हमारी गारंटी सक्सेस की इस बात पर निर्भर करती है कि हम वर्तमान में क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर की तरफ कौन सा कदम बढ़ा रहे हैं और किस भावना के साथ वो कदम बढ़ा रहे हैं। अगर हम इस भाव के साथ कदम बढ़ा रहे हैं कि पास्ट की कमियां, गलतियां, फेलियर्स, मैं शिक्षा लूँगा उनसे, मैं उनसे प्रेरणा लूँगा, मैं उनसे बचकर चलने की कोशिश करूँगा, और वर्तमान में जागृत रहकर हंसकर अपनी भूलों को स्वीकारता हुआ उन्हें धीरे धीरे अपने से दूर करता हुआ अपने भविष्य की कहानी लिखूँगा, तो हमारे भावी सफलता की कहानी को लिखने से हमें कौन रोक पाएगा। तो ध्यान दें कि हम
आज को देखें, वर्तमान को देखें, वर्तमान के चुनाव, वर्तमान के निर्णय हमारे भविष्य को आकार देंगे। जैसे उस बच्चे ने दिया था, उसने अपने स्वप्न का, अपने गोल का निर्णय लिया, उसका चुनाव किया और उस चुनाव को पूरा करने के लिए उसने अपने भीतर की काबिलियत को न जाने कितनी परीक्षाओं से गुजारा। वो एक टीचर के एफ देने से डरा नहीं, यानी एक एग्ज़ाम के फेलियर से वो डरा नहीं, हारा नहीं, वो बढ़ता चला गया। तो क्या हमारे भीतर है वो माधा कि हम अपने फेलियर्स को भूलकर अपनी योग्यताओं को जानें, जगाएं और उसकी सफलता की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं? सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो, हम अपने आत्मगुणों का दर्शन कर पाएं और सफल हो पाएं। ओम शांति।